इंडियन प्रीमियर लीग 2022 सीजन में मंगलवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने सामने आई थीं। मैच काफी रोमांचक रहा। एक समय था जब दिनेश कार्तिक क्रिज पर थे, तब मैच आरसीबी के पक्ष में जाता दिख रहा था। दिनेश कार्तिक और शाहबाज अहमद क्रिज पर थे। कार्तिक इस सीजन में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। यदि वो क्रिज पर रहते तो ये रन आसानी से चेस किए जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पारी का 13वां ओवर राजस्थान के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल लेकर आए। स्ट्राइक पर मौजूद शाहबाज अहमद ने हल्के हाथ से शॉट खेलकर सिंगल रन लेना चाहा, लेकिन बॉल फील्डर प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में चली गई। उन्होंने सिंगल लेने से मना कर दिया। तब तक कार्तिक आधी पिच तक पहुँच गए थे। उन्होंने वापसी के लिए पूरी ताकत लगाई। इसी बीच कृष्णा ने बॉल थ्रो की, लेकिन यहां गेंदबाज चहल से चूक हो गई। वो पहली बार में बॉल पकड़ नहीं पाए। तब हड़बड़ाहट में चहल ने जमीन पर गिरी बॉल को एक हाथ से ही पकड़कर स्टंप पर मार दिया। मामला थर्ड अंपायर के पास पहुंचा और रिप्ले में देखा गया कि कार्तिक समय पर क्रीज में नहीं आ सके थे। ऐसे में कार्तिक को रन आउट दिया गया और चहल का ये ब्लंडर बच गया। बस यहीं से राजस्थान की जीत पक्की हो गई थी।